हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वंडरफुल टुडे। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम बनाएंगे सिलिकॉन मोल्ड। तो ये वीडियो मैंने पहले भी बनाया है, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ये लिंक क्लिक करें। डिफरेंस बस मेरे वॉइस ओवर में है। आज मैं हिंदी में बात करूँगी विद अ लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश। वो वाला जो लिंक मैंने दिया है वो वीडियो इंग्लिश वॉइस ओवर में है। तो इसमें कैप्शंस हैं, तो यू कैन स्टिल कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सिलिकॉन मोल्ड बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मटेरियल है सिलिकॉन लिक्विड। तो ये ऐसे एक पैक में आएगा, सिलिकॉन लिक्विड और उसके साथ एक बॉटल में हार्डनर। ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो ये कंपनी के कई मॉडल्स हैं सिलिकॉन लिक्विड के। आप सिलिकॉन मोल्ड में क्या कास्ट करना चाहते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट सही वाला सिलिकॉन लिक्विड खरीदे। मैं यूजुअली इपॉक्सी रेजिन कास्ट करती हूँ, तो उसके लिए ये वाला सिलिकॉन लिक्विड अच्छा है। मिक्सिंग प्रोसेस सिंपल है। सिलिकॉन मोल्ड और हार्डनर को एक रेशो में मिक्स करना है अच्छी तरीके से, और जो भी पीस आप कास्ट करना चाहते हो उसके ऊपर डालना है। 24 घंटे के बाद सिलिकॉन मोल्ड बन जाएगा। सारे इंस्ट्रक्शंस इस बॉटल में है। तो अगर आपने 100 ग्राम ऑफ सिलिकॉन लिक्विड लिया तो आपको 3-5% ऑफ हार्डनर इसमें डालना है। इसका मतलब अगर मैंने 100 ग्राम सिलिकॉन लिक्विड लिया तो 3 ग्राम या तो फिर 4 ग्राम हार्डनर डालना है। तो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि ये जो सिलिकॉन लिक्विड है, अगर आप इसमें 5% हार्डनर डालते हो तो ये बहुत ही जल्दी जम जाता है। कप में जब आप मिक्स करते हो तभी जम जाता है। तो 5% हार्डनर मत डालिएगा, सिर्फ 3-4% ऑफ हार्डनर डालिएगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो सिलिकॉन में कितना हार्डनर डालना है ये अलग ब्रांड्स के लिए अलग रहेगा। तो प्लीज़ इंस्ट्रक्शंस ठीक से पढ़िए और जैसा उन्होंने लिखा है बस उतना ही हार्डनर डालिए। इस वीडियो में 2 टाइप्स ऑफ पीसेस के मोल्ड बनाऊंगी। एक ऐसा वाला जिसमें फ्लैट पीस है और दूसरा ये गणेश जी की आइडल जो 3D है। नेक्स्ट हमें एक बेस और फ्रेम चाहिए। मैंने प्लास्टिक कंटेनर लिया है, आप कार्डबोर्ड बॉक्स भी ले सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो अभी आपका बेस और कंटेनर है वो आपके पीस से काफ़ी बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट मैं ग्लू गन से इस पीस को मेरे फ्रेम में चिपका रही हूँ। गणेश जी की आइडल के लिए मैंने ये डिस्पोजेबल पेपर कप लिया है एज अ फ्रेम। तो इसमें काफ़ी गैप भी है और ये काफ़ी बड़ा भी है आइडल से। सो प्रोसेस सेम है, विथ ग्लू गन आई विल स्टिक इट इन द मिडल। इसके ऊपर हम सिलिकॉन लिक्विड पोर करेंगे। तो ये जो सिलिकॉन लिक्विड है वो ऐसे है वाइट कलर का सेमी लिक्विड। मेजरमेंट के लिए मैं ये फूड वेइंग स्केल ले रही हूँ। तो मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ कि जो स्टार है उसके ऊपर 100 ग्राम ऑफ सिलिकॉन लिक्विड लगेगा। तो वेइंग स्केल को ज़ीरो करें और फिर उसमें पहले सिलिकॉन लिक्विड जो वाइट कलर का लिक्विड है वो 100 ग्राम्स डालें। 100 ग्राम सिलिकॉन लिक्विड मतलब हमें हार्डनर 3-4% ऑफ 100 ग्राम्स डालना है, विच इज़ इक्वल टू 3 ग्राम्स और 4 ग्राम्स, बस उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। तो मैं 3 ग्राम से ज़्यादा हार्डनर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जम जाता है। सो 104, दैट्स इट। तो इसे अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए मिक्स करें, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं क्योंकि ये फास्ट क्यूरिंग सिलिकॉन लिक्विड है और ये कप में ही जम जाएगा। जैसे ही हार्डनर और सिलिकॉन लिक्विड मिक्स होते हैं अच्छी तरह से, उस जो भी फ्रेम है उसके ऊपर डाल दीजिए सिलिकॉन लिक्विड को। फिर इसे अच्छी तरह से टैप करें ताकि अगर कोई एयर बबल्स हो तो वो सब ऊपर आ जाए, और फिर एक टूथपिक से आप इसे निकाल सकते हैं। आइडल के लिए भी मैंने 100 ग्राम्स लिया है,
अच्छी तरह से मिक्स करें और इसके ऊपर डाल दें। टैप करें और अगर एयर बबल्स ऊपर आते हैं तो उसे टूथपिक से निकाल दें। एयर बबल्स निकालने के बाद इसे 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 24 घंटे के बाद मोल्ड को डिमोल्ड करेंगे। एक और बात, जब आप सिलिकॉन लिक्विड हैंडल करें तो हाथ में नाइट्राइल ग्लव्स पहने टू प्रोटेक्ट योर हैंड्स। तो अभी सिर्फ 5-10 मिनट हुए हैं और यू कैन सी दैट ऑलरेडी सिलिकॉन जमना शुरू हो गया है। सो दिस इज़ रियली फास्ट क्यूरिंग सिलिकॉन। तो इसी कंपनी के दूसरे मॉडल भी है जो स्लो क्यूरिंग है, बट रेजिन के लिए मैंने ऑब्जर्व किया कि ये सिलिकॉन इज़ गुड। तो यू हैव टू बी रियली क्विक व्हेन यू आर हैंडलिंग दिस सिलिकॉन लिक्विड। 12 घंटे हो चुके हैं दोस्तों, तो मैंने फुल 24 आवर्स वेट नहीं किया, अच्छी तरह से जम गया था। तब हम इसे निकालेंगे इस फ्रेम से, तो मैं फ्रेम को जस्ट काट रही हूँ। रेजिन पीस को मोल्ड से निकालेंगे धीरे से और ये आसानी से बाहर आ रहा है। सो मोल्ड अच्छी तरीके से बन गया है। सो अगर कोई एक्स्ट्रा पीसेस हो इस तरह से तो आप सीजर से इसे काट सकते हैं। दूसरा पीस गणेश जी का जो आइडल है वो भी निकाल देते हैं। थ्री पीस का जब हम मोल्ड बनाते हैं टू रिमूव इट, इट्स अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। तो टू मेक इट ईजियर, पीस के सीम पोजीशन में दोनों ऑपोजिट एंड्स में कट करेंगे। पीस के सीम पोजीशंस को आप मार्क कर सकते हो बिफोर कटिंग, सो तो कोई कन्फ्यूजन ना हो। कट बनाने के लिए मैं एक एग्जैक्टो नाइफ ले रही हूँ, तो कुछ इस तरह से जिगजैग पैटर्न में। आई एम नॉट गोइंग ऑल द वे थ्रू, सिर्फ मे बी 3/4 वे डाउन। तो सिलिकॉन विल हील इटसेल्फ। जब आप इसे वापस एक रबर बैंड से अटैच करेंगे तो अगर आप इसमें कुछ कास करेंगे तो ये लीक नहीं होगा। तो पीस आसानी से बाहर आ गया है। सो पोल्स आर डन। एटलीस्ट 12 घंटे दोनों में कुछ भी मत डालिए, अलाउ इट टू फुल्ली क्योर। उसके बाद दोनों को टेस्ट करेंगे। स्टार मोल्ड में मैंने इपॉक्सी रेजिन डाला है। तो इपॉक्सी रेजिन इज़ अ 2-पार्ट लिक्विड। एक में आपको रेजिन मिलेगा, दूसरे में हार्डनर। दोनों को एक रेशियो में मिक्स करना है और फिर सिलिकॉन मोल्ड में पोर करना है। आफ्टर 24 आवर्स यू विल गेट अ हार्ड प्लास्टिक और जो भी मोल्ड है उसका वो शेप ले लेगा। सो इपॉक्सी रेजिन इज़ अ केमिकल फॉर्म ऑफ आर्ट। तो अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो प्लीज़ वेयर नाइट्राइल ग्लव्स एंड फेस पर एक रेस्पिरेटर भी यूज़ करें और इसे बच्चों से दूर रखें। डोंट टीच दिस आर्ट टू चिल्ड्रन। गणेश जी के मोल्ड में मैं कुछ और कास्ट करना चाहती थी, तो मेरे पास वाइट सीमेंट है। तो मैंने थोड़ा सा वाइट सीमेंट लिया है और धीरे धीरे इसमें पानी डाल रही हूँ। तो मुझे इसका कोई मेजरमेंट है या नहीं पता नहीं, तो आई एम जस्ट आई बॉलिंग इट। तो जब कंसिस्टेंसी नॉट टू थिक नॉट टू थिन हो तो मैंने इसको पोर किया। मोल्ड को टैप कर रही हूँ ताकि एयर बबल्स निकल जाए। दोनों मोल्ड्स को 24 घंटे तक छोड़ देंगे अंटिल द कास्ट इज़ फुल्ली क्योर। 24 घंटे हो चुके हैं और मैं पहले गणेश जी का मोल्ड निकालूंगी। तो ये पूरी तरह से सूखा नहीं है, बट विल ट्राई एंड रिमूव इट। ये आसानी से आ रहा है एक्चुअली मोल्ड से। एंड देयर यू गो, जो पूरा डिटेलिंग है वो सब कुछ एक्चुअली इम्प्रिंट हुआ है। और ये रहा ओरिजिनल पीस जिसका हमने मोल्ड बनाया था, तब को देख सकते हो कंपैरिजन। तो मैंने इस मोल्ड में कोई भी मोल्ड रिलीज स्प्रे ऐसे कुछ नहीं डाला,
तो बिना इसके ही ये आसानी से आप निकाल सकते हो सब कुछ। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द स्टार, ये एक्चुअली और भी आसानी से बाहर आ गया। ये रेजिन का पीस है, सो बोथ ऑफ देम वर अ सक्सेस। इस सिलिकॉन मोल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला वाला जो हार्डनर का रेशो है वो 3-4% से ज़्यादा ना डालें। सेकंड वन, ये फास्ट क्यूरिंग सिलिकॉन मोल्ड है तो 1 मिनट के अंदर सिलिकॉन और हार्डनर को मिक्स करें और इमीडिएटली पोर करें। मोल्ड बनाने के बाद इसे 12-24 घंटे ऐसे ही रखें ताकि ये फुल्ली इंटरनली भी क्योर हो जाए, इसमें कुछ भी कास्ट ना करे फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स। एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सिलिकॉन मोल्ड बेकिंग या चॉकलेट मेकिंग के लिए नहीं है। दिस इज़ नॉट फूड ग्रेड सिलिकॉन, तो आप इसे बेकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। बेकिंग या चॉकलेट मेकिंग के लिए प्लीज़ यूज़ ओनली फूड ग्रेड सिलिकॉन। ऑलराइट दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये मेरा पहला वीडियो था विद अ हिंदी वॉइस ओवर, तो प्लीज़ बताइएगा कि कैसा लगा आपको। लेट मी नो इन दी कॉमेंट्स डाउन बिलो। शुड आई कंटिन्यू इन हिंदी या जस्ट स्विच बैक टू इंग्लिश, कॉमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब, कॉमेंट, लाइक एंड शेयर फॉर मोर वीडियोज़। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।